अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज़ हीप डेटा स्ट्रक्चर। हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ ही हम हीप सॉर्ट की भी बात करेंगे। हीप सॉर्ट बेसिकली हमारे पास सॉर्टिंग के जो हमने डिफरेंट टाइप सॉर्टिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं उसमें से एक एल्गोरिथम हमारे पास हीप सॉर्ट का भी है। बट बिफोर दैट कि हम हीप सॉर्ट को समझें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हीप डेटा स्ट्रक्चर कैसा डेटा का स्ट्रक्चर है, किस जो है वे में, किस अरेंजमेंट में, किस ऑर्डर में हीप डेटा को स्टोर करता है, हमने उसकी बात करनी है सबसे पहले। बिफ़ोर दैट हम हीप एंड हीप सॉर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम ट्रांसफ़र एंड कंकर की बात करते हैं। ट्रांसफ़र एंड कंकर एक टर्म है जो यूज़ होती है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है। बेसिकली हमारे पास हमारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स या डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरह के डेटा को कंप्यूटर में वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज, स्टोर, अपडेट, मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म एंड कंकर। ट्रांसफॉर्म एंड कंकर क्या है? ऐसी टेक्निक है, ऐसी टर्म है जिसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम को सिंपल या फिर ज़्यादा कन्वीनियंट उसके जो इंस्टेंसेस हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी एक बड़ा मसला जो एक बड़ा प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उस प्रॉब्लम को, और फिर उन छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हुए उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है ना इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंट सिम्प्लीफिकेशन। यानी एक्चुअली हम जो बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंस्टेंट्स की सिम्प्लीफिकेशन, यानी हम अपने प्रॉब्लम को सिम्प्लीफाई करके सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के इंस्टेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम सिंपल इंस्टेंसेस में, और हम बारी बारी छोटे छोटे पार्ट्स का सोल्यूशन निकाल के एक बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एक बड़ा काम, एक बड़ा मुश्किल काम जो हमसे एक साथ नहीं हो सकता, अगर हम उसे स्टेप्स में डिवाइड कर लें, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो उन पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करते हुए हमारे पास प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हीप, हीप क्या है जी? हीप के अंदर भी बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्म एंड कंकर के रूल को यूज़ करना है। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट इज़ हीप डेटा स्ट्रक्चर। हीप इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं पाइल, ढेर। ठीक है, यानी हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ वी में से बुक्स। ठीक है, यानी एक ढेर जो जिसमें आपके पास एक समझ लें एक माउंटेन जैसा कुछ, वो ढेर सा जो चीज़ों का लगा होता है उसे हम हीप बोलते हैं। ठीक है, अब हीप क्या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर है या लीनियर है, उस पर बात करते हैं। हीप एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक्चुअली ये क्या है, हीप एक बाइनरी ट्री है, नॉन लीनियर इसलिए हमने कहा क्योंकि ये एक बाइनरी ट्री ही है। हीप एक्चुअली एक बाइनरी ट्री से ही बनता है विद कीज असाइन टू इट्स नोड, जिसमें उसकी नोड्स को, उसकी वैल्यूज़ को कोई ना कोई की असाइन की जाती है। की यानी उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और दो कंडीशंस हीप के अंदर मीट होनी चाहिए हीप के नोड्स के साथ, कि ट्री मस्ट बी एसेंशियली कम्प्लीट, कि हीप एक बाइनरी ट्री है लेकिन कम्प्लीट बाइनरी ट्री है, कि उसके सारे के सारे लेवल्स कंप्लीट होंगे एक्सेप्ट द लास्ट लेवल बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो लीफ नोड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं होते। सो हीप इज़ अ बाइनरी ट्री, इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, एंड द पेरेंटल डोमिनेंस रिक्वायरमेंट दैट इज़ द की एट द ईच नोड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द कीज एट इट्स चिल्ड्रेन। पेरेंटल डोमिनेंसिस में ये है कि कोई भी नोड अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी होगी। ठीक है, या जो उसके दोनों चाइल्ड हैं किसी भी नोड के, उससे लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड उससे छोटे होने चाहिए, और ये डेफिनेशन फ्रॉम रूट टू टिल लीफ नोड जाएगी, कि हर नोड को हम देखेंगे कि हर नोड को अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा होना ज़रूरी है। ये है हमारे पास मैक्स हीप। एक्चुअली हीप हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है मैक्स हीप और दूसरी होती है मिन हीप। मिन हीप वो हीप है जिसके जो अगेन हीप जिस तरह मैक्स हीप एक कम्प्लीट बाइनरी ट्री होता है, उसी तरह मिन हीप भी कम्प्लीट बाइनरी ट्री होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैक्स हीप के अंदर पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़ी होती है, जबकि मिन हीप के अंदर पेरेंट नोड दोनों चाइल्ड नोड से छोटी होती है। ठीक है जी,
यानी समझ लें डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास मैक्स हीप है और असेंडिंग ऑर्डर आपके पास मिन हीप है। ऐसी हीप का ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसके अंदर हर नोड अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा हो वो मैक्स हीप कहलाती है, और ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड अपने दोनों चाइल्ड से छोटी हो उसे हम मिन हीप बोलते हैं। बहरहाल जी, हीप कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हर नोड अपने दोनों चाइल्ड से या तो बड़ी होती है या तो छोटी होती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ अ मैक्स हीप और मिन हीप। ठीक है, किस तरह से हम इसको एग्जांपल में देखते हैं हमें हीप डाटा स्ट्रक्चर और समझ आएगा। अच्छा, उससे पहले इसकी कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि किसी भी नोड की हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी नोड की हाइट कैलकुलेट होती है नंबर ऑफ एजेस ऑन अ लॉन्ग सिंपल पाथ फ्रॉम द नोड डाउन टू अ लीफ, यानी हम उस नोड से गिनना शुरू करें और उससे मूव करते करते लीफ नोड तक पहुँचते पहुँचते जितने भी नंबर ऑफ एजेस हमें मिलते हैं वही उस नोड की हाइट होती है। और अगर हम पूरी हीप की हाइट देखें तो हीप की हाइट एक्चुअली रूट की हाइट के इक्वल होती है, यानी जो सबसे टॉप पे नोड है उससे हम मूव करते करते लीफ नोड पे आने तक हमें जितने एजेस फॉलो करने पड़ते हैं वही आपकी हीप की हाइट होती है। बिल्कुल जिस तरह आप बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट को मैयर करते हैं वैसे ही हीप के अंदर भी हाइट को मैयर किया जाता है किसी एक नोड या फिर पूरी हीप की। हीप को बेसिकली हम कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, अगेन जिस तरह हमने बाइनरी ट्री को स्टोर करने के लिए लिस्ट की हेल्प ली थी, यानी लिस्ट जैसा या हमने एक्चुअली ट्री नोड जैसा एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हम एक्चुअली लिंक इस तरह से करते थे कि डबल लिंक लिस्ट जैसी हम उसकी लिंकिंग करते थे, तो उसी तरह आपके पास और बिल्कुल ग्राफ को स्टोर करने के लिए भी हमारे पास या तो एडजेसेंसी लिस्ट है या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। इसी तरह हीप को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? नॉन यूनिट डेटा स्ट्रक्चर्स में ही तीसरा स्ट्रक्चर हम पढ़े ना, पहले हमने ट्री पढ़ा, बाइनरी ट्री पढ़ा, फिर हमने ग्राफ की बात की। ट्री के लिए डबल लिंक लिस्ट हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में ट्री की डेटा को स्टोर करने के लिए, ग्राफ को स्टोर करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, और हीप के डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमारे पास बेस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर जिसको यूज़ करते हुए हम हीप के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, दैट इज़ एरे। ठीक है, और रूट हमेशा आपके पास हीप का रूट जो है वो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे होता है। ठीक है, और किसी भी ए ऑफ आई यानी एरे के अंदर किसी भी एक नोड पे अगर हम पेरेंट को जानना चाहें कि किसी नोड का पेरेंट कौन सा है, तो अगर हम आई को टू से डिवाइड करें तो उसका हमें पेरेंट नोड का पेरेंट नोड की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी नोड के लेफ्ट चाइल्ड को देखना चाहते हैं तो हम अगर आई यानी जो भी वो नोड है जिसकी हम लेफ्ट चाइल्ड को देखना चाह रहे हैं अगर हम उसको आई को टू से मल्टीप्लाई करें तो उसका लेफ्ट नोड का हमें इंडेक्स मिल जाता है। अगर हम राइट चाइल्ड किसी भी ए ऑफ आई का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उस आई को टू आई यानी टू से मल्टीप्लाई करके प्लस वन करें तो उस स्पेसिफिक नोड के हम राइट चाइल्ड पे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है एरे के अंदर मूवमेंट का तरीका कि एरे के अंदर हमें रूट हमेशा ए ऑफ वन पे मिलेगा और कोई उसके अलावा सारे के सारे नोड्स जो हैं वो 2, 3, 4, 5 अप टू 7 एरे का जो साइज है डिपेंडिंग अपॉन द हीप साइज है उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी लोकेशन पे जाएंगे। अब हर नोड की एरे के अंदर क्या लोकेशन होगी, लोकेशन इस तरह से होगी कि वो अपने पेरेंट से आई डिवाइड बाई टू डिस्टेंस पे होंगे, यानी किसी उसका उनका पेरेंट जो है वो आई डिवाइड बाई टू पे होगा, और किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड उससे 2i और 2i प्लस 1 लोकेशन पे स्टोर होगा। किस तरह से देखते हैं जी इसको। अच्छा, कंप्यूटिंग इज़ फास्ट विद बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करें तो इसको कंप्यूट करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखें जी, ये हमारे पास है मैक्स हीप प्रॉपर्टी और मिन हीप प्रॉपर्टी। मैक्स हीप प्रॉपर्टी में हमारे पास फॉर ऑल नोड्स एक्सक्लूडिंग द रूट, रूट के अलावा बाकी सारे नोड्स पे क्या प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए कि हर नोड का पेरेंट उसके जो है ए ऑफ आई से ए ऑफ पेरेंट ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई, यानी हर नोड का पेरेंट उससे बड़ा होना चाहिए, और मिन हीप के अंदर हर नोड का पेरेंट उससे छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, बड़ा या इक्वल या फिर छोटा या इक्वल होगा। मैक्स हीप के एग्जांपल हमारे सामने नज़र आ रही है, ये देखें जी, इसके अंदर हमारे पास ये बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री इस तरह से है कि इसके पास आपके पास एक बाइनरी ट्री है, फिलहाल ये कंप्लीट नहीं है, बहरहाल ये एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर आपके पास हर नोड के फर्दर दो चाइल्ड हैं, 16 के दो चाइल्ड हैं, 14 के हैं लेकिन 7 का एक है,
9 और 3 लीफ नोड्स हैं दैट इज़ उनके चाइल्ड नहीं है, 2, 4 और 1 की लीफ नोड है दैट इज़ उनके फर्दर चाइल्ड नहीं है। बहरहाल जी ये हमारे पास इस वक्त हीप है, हीप है और मैक्स हीप है। किस तरह से मैक्स हीप है? अच्छा उससे पहले जो एक चीज़ हम डिफरेंट देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि नोट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं और साथ साथ नोट्स के ऊपर कुछ हमने नंबर्स लगाए हुए हैं। एक्चुअली ये इनकी कीज़ हैं, इनकी कीज़ हैं, इनका नंबर है, इनकी इनका ऑर्डर है कि आपके पास पहला एलिमेंट कौन सा हीप का, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा है। हमने लेवल वाइज इनको नंबरिंग की है। फर्स्ट लेवल पे रूट लेवल पे जो नोड है वो नंबर वन नोड है, उसके बाद जो लेवल सेकंड लेवल है यानी लेवल वन है उस पर आपके पास सेकंड और थर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पर हम जाते जाएंगे और इनको नंबर करते जाएंगे। अब इनको हमने अगर इसके ऊपर देखें मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो देखें जी 16 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन, राइट। 16 इज़ ग्रेटर देन 14 एंड 16 इज़ ग्रेटर देन 10, 14 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन 8 एंड 7, 8 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन 2 एंड 4, 7 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन इट हैव ओनली वन चाइल्ड दैट इज़ वाई 7 उससे भी बड़ा है, 10 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। अब अगर आप इसको एक नज़र दौड़ाएँ तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास रूल क्या होता है कि रूट से लेफ्ट साइड पे सारी छोटी नोड्स और राइट साइड पे सारी बड़ी नोड्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास रूट के लेफ्ट में भी उससे लेफ्ट में भी बड़ी नोड्स हैं, बड़ी नोड्स कह लें या फिर रिलेटिव टू राइट, नॉट रिलेटिव टू रूट लेकिन रिलेटिव टू राइट पोर्शन, राइट पोर्शन की नोड्स से बड़ी नोड्स भी हमें लेफ्ट वाले पोर्शन में नज़र आ रही हैं। सो यही हीप है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ सिर्फ हमने हर नोड पे ये डेफिनेशन पूरी करनी है कि हर नोड अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी हो। अब इस हमने एरे के अंदर कैसे स्टोर करवाना है, जारी बात हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो हम 10 साइज़ के एरे लेंगे, हीप के अंदर 10 साइज़ है तो हमारे पास एरे का साइज़ भी 10 ही होगा। अब उस 10 साइज़ की एरे के अंदर हमारे पास हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज को स्टोर करवाना है। सबसे पहली वैल्यू रूट वो तो हमेशा ए ऑफ आई पे स्टोर होती है, ठीक है। उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, टू ऑफ आई, आई आपके पास 1 है, टू ऑफ आई यानी 2 पे उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, 2i+1 यानी 2+1 3 पे उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। अब 2 का राइट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, 2 का राइट चाइल्ड स्टोर होगा 2 इंटू 2 पे, क्योंकि आपके पास i2 है 2 इंटू 2 4 पे, और उसका राइट चाइल्ड होगा जी 2i+1 यानी कि 4+1 5 पे होगा। इसी तरह 4 का लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू 4 और राइट चाइल्ड 2 इंटू 4+1 पे, एंड अप टू सो ऑन इस तरह से। और अगर हम किसी भी नोड का पेरेंट देखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो 6 वाली लोकेशन पे जो नोड पड़ी हुई है उसका हम पेरेंट देखना चाहें, 6 वाली लोकेशन पे 9 है, 9 का इंडेक्स नंबर या की है 6, हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 डिवाइड बाई 2 3, ठीक है। तो इसका पेरेंट होना चाहिए 10, राइट, आपके पास इसका पेरेंट 10 ही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास तरीका है हीप को, हीप को एरे के अंदर स्टोर करवाने का। बहरहाल जी हीप कैसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास हर नोड या तो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी होती है अगर तो वो मैक्स हीप है, या फिर हर नोड, हर पेरेंट नोड अपने दोनों चाइल्ड से छोटी होती है अगर तो वो मिन हीप है, ठीक है। हीप डाटा स्ट्रक्चर की मैं समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि हम इस हीप को बनाते कैसे हैं, यानी हम किस तरह से हीप की फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि ट्री के अंदर हम करते थे, जब भी हमारे पास वैल्यू आती थी तो हम उसको कंपेयर करते थे रूट के साथ। फर्स्ट वैल्यू को हम हमेशा रूट पे प्लेस करते थे ट्री के अंदर, और हर नई आने वाली वैल्यू को रूट के साथ कंपेयर करके या तो लेफ्ट में या फिर राइट में मूव कराया जाता था, एंड डाउनवर्ड मूव करते करते उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर उसे प्लेस किया जाता था। अब यही काम हम हीप के अंदर कैसे करेंगे, हीप में कैसे हमने डाटा को स्टोर करवाना है उस पर बात करते हैं। तो हमें एक बनी है हीप में लिखना, अगर हमारे पास सिर्फ डाटा है हमने उसे हीप कैसे बनानी है और फिर उस हीप को एरे के अंदर कैसे स्टोर करवाना है उस पर बात करते हैं। मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी, मैक्स हीपीफाई एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एल्गो है फॉर मैनिपुलेटिंग मैक्स हीप्स, इट इज़ यूज टू मेंटेन द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। एक्चुअली किसी भी हीप के अंदर मैक्स हीप की मैक्स प्रॉपर्टी को या हीप की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास अगर हम मैक्स हीप बना रहे हैं तो उसके लिए जो एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं वो है मैक्स हीपीफाई। बिफोर मैक्स हीपीफाई ए ऑफ आई मे बी स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन, कि अगर हम मैक्स हीपीफाई अप्लाई नहीं कर रहे तो हो सकता है हीप के अंदर कोई भी ए ऑफ आई अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटा हो, जबकि मैक्स हीप क्या कहता है, ए ऑफ आई मस्ट बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। हम अज्यूम करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ आई आर मैक्स हीप्स, आफ्टर मैक्स हीपीफाई सब ट्री रूटेड एट एट आई इज अ मैक्स हीप। मैक्स हीपीफाई का यानी मकसद क्या है, मैक्स हीपीफाई का मकसद है आपके हीप के अंदर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना, उस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना। वो ये काम कैसे करता है उस पर हम बात करते हैं।
ये जी मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी का हमारे पास एल्गोरिदम, मैक्सिफाई का एल्गोरिदम है जो कि दो पैरामीटर्स लेता है। एक तो वो एरे जिसके अंदर हमारे पास डाटा स्टोर है, जारी बात है ना कहीं पे डाटा होगा, जिस तरह ट्री के लिए हमारे पास एरे में डाटा होता था, ठीक है, अनऑर्गेनाइज अनअरेंज्ड होता था, लेकिन हम उसे ट्री के फॉर्म में अरेंज करके लिंक्ड लिस्ट में डबल लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करते थे। इस तरह यहाँ पे हमने एरे से डाटा लेना है, उसे अरेंज करना है, एरे में ही वापस इस तरह से रखना है कि हर नोड से टू आई, हर आई के लिए टू आई लोकेशन पे उसका लेफ्ट और टू आई प्लस वन पे उसका राइट चाइल्ड हो, और हर नोड का लेफ्ट राइट चाइल्ड उससे छोटा हो। बहरहाल जी मैक्स सी पी फाई के अंदर हम एक एरे लेंगे, इनपुट एरे जो कि अभी तक मैक्स सी पी फाई में नहीं है अरेंज, और हम एक आई इंडेक्स लेंगे रूट जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। लेफ्ट एंड राइट दो वेरिएबल्स लेंगे, लोकल वेरिएबल्स, जिससे हम लेफ्ट ऑफ आई एंड राइट ऑफ आई असाइन कर देंगे। लेफ्ट ऑफ आई मीन्स आई जिससे भी हमने शुरू किया है मैक्स सी पी फाई अप्लाई करना है, या जिसके लिए हमने मैक्स सी पी फाई कॉल किया है, उसके लेफ्ट ऑफ आई पे कौन सा इंडेक्स है उसका उसकी उसका एड्रेस हम रख देंगे एल के अंदर, इंडेक्स नंबर एल पे रख देंगे, और राइट आई का इंडेक्स नंबर हम आर में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। यानी आई लेट से अगर टू है तो उसका लेफ्ट आई होगा टू आई, टू इंटू वन है अगर लेट से आई, तो उसका लेफ्ट होगा आपके पास टू और राइट होगा उसका थ्री, बराबर एल के अंदर टू और आर के अंदर थ्री आ जाएगा। अगर तो आपके पास एल के अंदर जो इंडेक्स नंबर आया है वो हीप के साइज़ से छोटा है, हीप साइज़ एक्चुअली किसका साइज़ है, एरे का साइज़, एरे का साइज़ एक्चुअली उतना ही हम रखेंगे ना जितना हीप का साइज़ है, तो अगर तो आपके पास लेफ्ट वाला जो इंडेक्स आया, सबसे पहली बात वो हीप के साइज़ से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेट से अगर हम पहुंच जाते हैं आपके पास नाइन, आई नाइन पे है, तो नाइन के एरे का साइज़ है 10, आई नाइन पे है, नाइन के लिए 9 to 2 18, और या लेट से हम 5 पे ही आ जाते हैं, आई 5 है तो 5 into 2 उसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा 10, और 5 into 2 + 1 उसका राइट चाइल्ड, राइट का इंडेक्स आएगा 11, तो 10 और 11 में से आपके पास जब आप राइट पोर्शन को देखेंगे तो वो आपके पास हीप के साइज से ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ उसके लिए हमने मैक्सिफाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि 5 का लेफ्ट चाइल्ड तो एग्जिस्ट कर सकता है 10 साइज़ के एरे के अंदर, लेकिन उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि हमारी एग्जांपल के अंदर भी है कि 5 का लेफ्ट चाइल्ड तो है 10 साइज के साथ, लेकिन उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर होता तो वो 11 पे होता। सो हमने सबसे पहले चेक करना है कि एल और आर आपके पास हीप साइज़ यानी बाउंड के अंदर अंदर ही है, अगर तो अंदर है तो फिर हमने चेक करना है कि अगर ए ऑफ एल यानी जो लेफ्ट चाइल्ड है आई का, अगर वो उस ए ऑफ आई से बड़ा है, अगर लेफ्ट बड़ा है ए ऑफ आई से तो हमने लार्जेस्ट में एल स्टोर करवा देना है। लार्जेस्ट में किसका इंडेक्स हमने स्टोर करवा देना है, एल का, कि अगर लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट से बड़ा है, ए ऑफ आई पेरेंट है ना उसका, तो अगर तो उसका किसी भी आई का लेफ्ट चाइल्ड उससे बड़ा है तो हमने लार्जेस्ट एल को कह देना है, लेफ्ट वाले को कह देना है, एल्स लार्जेस्ट हमने आई को कह देना है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास एल्स लार्जेस्ट आई, आई मीन्स अगर देखें ना दोनों दोनों के कंपैरिजन में जो ट्रू होगा, अगर तो एल बड़ा होगा तो लार्जेस्ट एल होगा, और अगर आई बड़ा होगा तो लार्जेस्ट आई होगा। लेकिन अगर एक और हमारे पास इफ़ चलेगा, यहाँ पे इफ एल्स खत्म हो जाएगा, यहाँ तक ये वाला इफ ये सेल्स के साथ खत्म हो जाएगा, फिर एक और इफ चलेगा, अगर आर लेस देन इक्वल टू हीप साइज है और ए आर आर ए एफ आर ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। अच्छा, ये दोनों ही इफ चलने हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला इफ चलेगा तो ये नहीं चलेगा, इसका इफ का एल्स यहाँ यहाँ पे ये इफ एल्स खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट आपके पास कोड के अंदर एक और इफ आता है, यानी एक और आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर आता है जो कि आप चेक करता है आर के साइज को, अगर तो आर का साइज हीप के साइज से छोटा या उसके इक्वल है, और ए ऑफ आर में जो आपके पास राइट वाले इंडेक्स पर जो एरे की जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर तो वो लार्जेस्ट से भी बड़ी है, लार्जेस्ट अब क्या हो सकता है, अगर तो इस कंपैरिजन में लेफ्ट बड़ा निकला है तो लार्जेस्ट एल, लार्जेस्ट मेल का इंडेक्स होगा, लेफ्ट का इंडेक्स होगा, नहीं तो लार्जेस्ट में आई यानी पेरेंट नोड का इंडेक्स होगा। बहरहाल अगर तो आपके पास जो राइट वाला नोड है वो लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो फिर अब लार्जेस्ट ना एल होगा ना आई होगा, बल्कि लार्जेस्ट में अब अपडेट होके आर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इफ ये वाला खत्म हुआ, फिर एक और तीसरा इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर इसके अंदर चलता है जो कि चेक करता है अगर लार्जेस्ट इज़ नॉट इक्वल टू आई, यानी अगर लार्जेस्ट चेंज हो गया है, लार्जेस्ट इस तरह से चेंज हो गया कि या तो उसमें लेफ्ट है या तो उसमें राइट है, अगर तो आई होता तो आपके पास ऑलरेडी मैक्स हीप है, जाहिर सी बात है ना, अगर तो आपके पास आई है, आई ही लार्जेस्ट के अंदर आता है तो ना तो उसका लेफ्ट उससे बड़ा निकला और ना ही राइट बड़ा निकला, अगर लेफ्ट बड़ा निकला होता तो लार्जेस्ट के अंदर एल होता, अगर राइट बड़ा निकला होता तो लार्जेस्ट के अंदर आर होता, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपके पास लार्जेस्ट में आई होगा, लेकिन
अगर लार्जेस्ट में आई नहीं है, इट मींस इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हुई है। तो जो भी कंडीशन ट्रू हुई है, हमने जस्ट क्या करना है, ए ऑफ आई को ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ एक्सचेंज कर देना है। अब ए ऑफ लार्जेस्ट चाहे ए ऑफ आई का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, हमने जस्ट उसके साथ उसको एक्सचेंज कर देना। और फिर हमने दोबारा मैक्सी पे फाइव कॉल कर देना है ए और लार्जेस्ट पे। अगेन ये आपके पास सेल्फ रेफरेंसिंग यहाँ पे रिकरियन हो रही है और सेल्फ रेफरेंसिंग हो रही है, जिसमें हम दोबारा मैक्सी पी फाइव के फंक्शन को उसकी लास्ट स्टेटमेंट में दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगली स्टेटमेंट में हमने क्या किया, जो एरे है दोबारा पूरी की पूरी एरे और लार्जेस्ट, अब जो लार्जेस्ट है इस वक्त आपके पास एरे के अंदर जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसे हमने दोबारा मैक्सी को फॉरवर्ड कर दिया। रीज़न इज़ दैट जब आप किसी भी लेवल पे स्वैपिंग या एक्सचेंज करेंगे या चेंजेस करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी हीप के अंदर आएंगे चेंजेस। हीप के अंदर जो चेंजेस आएंगे उसे हमने शुरू से लेके एंड तक इंप्लीमेंट करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ट्री के अंदर अगर रूट से शुरू करते तो हम नीचे तक जाते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने इसके अंदर सारे डाटा को दोबारा से मैक्सीफाई करना है। दैट इज़ वाई अब एरे को दोबारा और लार्जेस्ट, इस वक्त जो एरे के अंदर लार्जेस्ट है उसको दोबारा ऊपर फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो रूट पर ही रहे। बहरहाल जी, इसको एग्जांपल के साथ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। उससे पहले हम देखते हैं जी के द वे मैक्सीप वर्क्स किस तरह से वर्क करता है। बिल्कुल वो जो हमने अभी अभी देखा आपके पास सारे का सारा एल्गोरिदम, उसी तरीके से ये काम करता है, स्वैपिंग करता है लार्जेस्ट वैल्यू मिलने के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ट्रीवियली मैक्सीपीफाई बार बार कॉल करता रहता है ताकि आपके पास रिकर्सिवली मैक्सीपीफाई को कॉल करता रहता है ताकि आपके पास डाटा जो है वो एक मैक्सीप या फिर मिन हीप जो भी हम अप्लाई करें मैक्सीप में, मैक्सीप अप्लाई करें इसलिए मैक्सीप में आ जाए। बहरहाल जी, हीप की एग्जांपल देखते हैं और इसके ऊपर मैक्सीपीफाई अप्लाई करते हैं। इस एग्जांपल के ऊपर ये हमारे पास एक डेटा है एरे के अंदर, लेट से एरे को हमने हीप की शक्ल दे लिया है। लेट से एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 16 है, दूसरे इंडेक्स पे 4 है, देन तीसरे इंडेक्स पे 10 है, 14, 7, 9, 3, इस तरह से आपके पास कुछ डाटा रेंज है। अभी अगर आप देखें तो उसके ऊपर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। 16 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन बट 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन, 14 इज़ नॉट ग्रेटर देन बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन, सिमिलरली 5 आपके पास या 3 जो है ना आपके पास ये अपने चिल्ड्रन से, 7 जो है अपने चाइल्ड से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक जगह हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इस पूरे ट्री के अंदर अगर हम देखें तो, वो ये है कि 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, 4 इज़ स्मॉलर देन 14। बहरहाल जी, हम यहाँ पे मैक्सीपीफाई अप्लाई करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, I2 से शुरू करते हैं। I को हमने, I के अंदर हमने 2 पास किया और एरे पूरी की पूरी पास कर दी किसको, मैक्सीपीफाई के फंक्शन को। मैक्सीपीफाई के फंक्शन को जब पूरी एरे जाएगी और I2 जाएगा तो हमने 2 पे जो I2 इंडेक्स किया है तो हमने I2 का लेफ्ट ऑफ आई एंड राइट ऑफ आई कैलकुलेट कर लेना है बिल्कुल इन स्टेप्स के थ्रू। यहाँ पे अब आपके पास एरे इनपुट आई है और आई आपके पास 2 आया है। 2 का लेफ्ट यानी 4 को हमने एल में, एल के अंदर 4 आ गया और आर के अंदर क्या आ गया आपके पास, और आर के अंदर आपके पास आ गया जी इस तरह से, इसको देखते हैं हम। जी आई हमारे पास अगर 2 है, आई अगर हमारे पास 2 है तो इसका एल में इसके पास आ गया हमारे पास 4 और आर के अंदर हमारे पास आ गया यहाँ पे जो है 5। ठीक है, एल के अंदर 4 आ गया और आर के अंदर हमारे पास आ गया है 5। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है ए ऑफ एल और ए ऑफ आई को। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि एल में जो वैल्यू आई है वो हीप के साइज़ जितनी है या उससे छोटा है। तो एल के अंदर 4 आया है, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 बिकॉज इस वक्त हीप का साइज़ आपके पास 10 है। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो हमने कंपेयर करना है कि ए ऑफ एल इज़ स्मॉलर देन, ए ऑफ एल इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ आई। अब हमने ये चेक करना है, अगर तो हमें ए ऑफ एल ग्रेटर देन ए ऑफ आई मिलता है तो हमने लार्जेस्ट के अंदर एल असाइन कर देना है। देखें जी, ए ऑफ एल मीन्स 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ एल मीन्स 14 इज ग्रेटर देन, क्योंकि एल पे आपके पास, एल में 4 है तो 4 पे आपके पास 14 पड़ा हुआ है। अगर तो एल जो है लेस देन इक्वल टू हीप साइज है, वो कंडीशन ट्रू हुई, तो हमें चेक करना है कि क्या ए ऑफ एल ग्रेटर देन है ए ऑफ आई से।
हाँ जी कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पे हमने लार्जेस्ट के अंदर क्या स्टोर करवा दिया, लार्जेस्ट के अंदर हमने एल का एड्रेस, एल का इंडेक्स स्टोर करवा दिया। यानी अब हमारे पास लार्जेस्ट के अंदर क्या है, लार्जेस्ट के अंदर हमारे पास, लार्जेस्ट के अंदर हमारे पास आ गया जी, लार्जेस्ट आपके पास हो गया है 4, क्योंकि आपके पास कंडीशन ट्रू ये है दैट ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉरी ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई। कंडीशन ट्रू होने की वजह से लार्जेस्ट के अंदर एल आ गया, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो लार्जेस्ट के अंदर आई आता। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी कि क्या आपके पास ए ऑफ, सबसे पहले तो आर हीप साइज से छोटा है, हाँ जी आर हीप साइज से छोटा है, 5 छोटा है 10 से छोटा ही उसकी इक्वल है, हाँ जी 5 उससे छोटा हीप के साइज से, हीप के साइज से। उसके बाद हमने चेक करना है कि कहीं ए ऑफ आर ए ऑफ आई से बड़ा तो नहीं है, ए ऑफ आर ए ऑफ आई से बड़ा है, हाँ जी कंडीशन इज ट्रू, ए ऑफ आर आपके पास ए ऑफ आई से, सॉरी अब हमने ए ऑफ आई नहीं ए ऑफ लार्जेस्ट से कंपेयर करना है, ए ऑफ आर ए ऑफ लार्जेस्ट से बड़ा है, ए ऑफ लार्जेस्ट क्या है 14, 7 14 से बड़ा नहीं है तो हम लार्जेस्ट को अपडेट नहीं करेंगे। एंड में हम आखिरी इफ से चेक करेंगे कि लार्जेस्ट आई है या नहीं, लार्जेस्ट चूँकि आई नहीं रहा क्योंकि आई 2 था, लार्जेस्ट इस वक्त 4 है, तो अब हमने यहाँ पे करनी है स्वैपिंग, स्वैपिंग किसकी, ए ऑफ आई की ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ, ए ऑफ आई है आपके पास 2 और ए ऑफ 2 भी हमने कंपेरिजन कर देना है, ए ऑफ 2 को हमने स्वैप कर देना है ए ऑफ लार्जेस्ट यानी 4 के साथ। तो आपके पास कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, चेंज इस तरह से होगा कि आपके पास 14 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, 4 नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, जब आपने ये स्वैपिंग कर दी उसके बाद आपने दोबारा मैक्सिफाई कॉल करना है ए और लार्जेस्ट के साथ, ए तो एरे और लार्जेस्ट के अंदर इस वक्त आपके पास क्या स्टोर है 4, यानी अब जो नेक्स्ट आपके पास जाएगा मैक्सिफाई के लिए वो एरे और 4 वाला इंडेक्स जाएगा, 4 वाला इंडेक्स जाएगा, 4 वाला इंडेक्स पे आपके पास 4 पड़ा हुआ है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ए ऑफ, हमने इसकी लेफ्ट और राइट को पहले गेट कर लेंगे, अगर आई आपके पास, आई अगर आपके पास है जी 2 4 है, यानी आई में 4 स्टोर है इस वक्त अगर आपके पास, तो आपके पास आई 4 के साथ उसका लेफ्ट बन जाएगा जी 8 2 आई और उसका राइट बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक है, और लार्जेस्ट किस तरह से अपडेट होगा उसे हम देखते हैं अभी। बहरहाल आई अगर 4 है तो आई 4 के साथ उसका लेफ्ट है आपके पास 8 इंडेक्स वाली वैल्यू और राइट है उसके पास 9 इंडेक्स वाली वैल्यू। हम सबसे पहले लेफ्ट राइट को देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इफ़ लगाएंगे एल के ऊपर, अगर एल जो हीप के साइज से छोटा है, हाँ जी 8 10 से छोटा है, और फिर हम चेक करेंगे कि कहीं ए ऑफ एल पर जो वैल्यू है वो ए ऑफ आई से बड़ी तो नहीं, नहीं जी ए ऑफ एल पर जो वैल्यू है वो है 2, वो ए ऑफ आई यानी 4 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास लार्जेस्ट चेंज, लार्जेस्ट के अंदर आई आ जाएगा, लार्जेस्ट के अंदर आई यानी लार्जेस्ट के अंदर 4 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 9 जो है वो हीप के साइज से छोटा है, हाँ जी आर जो है वो हीप के साइज से छोटा है, और क्या ए ऑफ आर की वैल्यू ए ऑफ आई से बड़ी तो नहीं, तो कंडीशन इज ट्रू, ए ऑफ आर की वैल्यू है 8 यानी ए ऑफ 9 की वैल्यू है 8 वो बड़ी है, ए ऑफ 4 से यानी 4 से 8 4 से बड़ा है, तो अब हमारे पास लार्जेस्ट में आई नहीं रहेगा बल्कि लार्जेस्ट में आर आ जाएगा, यानी लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट आपके पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, लार्जेस्ट आपके पास 9 हो गया, 9 हो गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे हम चेक करेंगे कि लार्जेस्ट अगर आई नहीं है तो उसको स्वैपिंग करेंगे लार्जेस्ट को रे ऑफ आई को, जहरी बात है ए ऑफ लार्जेस्ट जो है वो आई नहीं है 4 नहीं है बल्कि क्या है 9 है, तो हम स्वैपिंग कर देंगे ए ऑफ आई की ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ, यानी ए ऑफ आई की ए ऑफ 4 की ए ऑफ 9 के साथ स्वैपिंग करेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम आई को और मैक्सिप को दोबारा कॉल करेंगे एरे को और आई 9 को अब हम पास करेंगे, 9 को जब हम पास करेंगे तो 9 के लिए हमारे पास अगर आई 9 है, अगर आई 9 है हमारे पास तो आई 9 के लिए हमारे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 18 और उसका राइट चाइल्ड बनेगा 19। तो क्या ये लेफ्ट, इसका लेफ्ट और राइट आपके पास बाउंड के अंदर है, बाउंड के अंदर नहीं है, दैट इज़ वाई 9 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड बाउंड में ना होने की वजह से हमारे पास इफ एल लेस देन इक्वल टू हिप साइज एंड इफ आर लेस देन इक्वल टू हिप साइज दोनों ही पूरे नहीं होंगे और नेक्स्ट हमारे पास कोई आई भी नहीं है फॉरवर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास लूप हो जाएगा जी ख़त्म, यानी यहाँ पे हमारी हो जाएगी मैक्सिफाई की रिकर्सिव कॉल नॉट टू लूप, मैक्सिफाई की रिकर्सिव कॉल ख़त्म हो जाएगी
और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास से एक मैगजीन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस सीट को देखें तो इसके हर लेवल पे पेरेंट अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 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 ये वाला पेरेंट भी अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है। सो इस वक्त हमारे पास ये ही पे एक मैगजीन है। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया, हमने वहाँ से शुरू किया जहाँ पर हमारे पास सीट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और हम डाउनवर्ड्स जाते जाते हमने लास्ट तक वहाँ तक मूव किए जो हमें रिकर्सिव कॉल से उस कंडीशन तक पहुँचे जो हमें रिकर्सिव कॉल से बाहर ना ले। मैक्सीफाई का अगर हम एनालिसिस करें तो ये टोटल टाइम जो मैक्सीफाई करने का टाइम है वो भी गो लॉग ऑफ एन है, यानी लॉग ऑफ एन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम हाफ ऑफ एन यानी हाफ एफर्ट हमें पुट करनी पड़े, तो हमें कुछ आधी एफर्ट पुट करनी पड़ी, हमें सारी नोट्स को नहीं देखना पड़ा बल्कि हाफ नोट्स को देख के उस बात कुछ करना पड़ा, दैट इज़ वाई हम इसको एक इंटरमीडिएट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी गो में लॉग ऑफ एन कहते हैं। ठीक है, बिल्ड मैगजीन को बिल्ड करने का एल्गोरिथम बेसिकली कुछ इस तरह से है कि हम बिल्ड मैगजीन का एक एल्गोरिथम बनाते हैं जिसके अंदर एरे यानी जो इनपुट डाटा है वो फॉरवर्ड किया जाता है, इनपुट किया जाता है, पैरामीटर में पास किया जाता है, फिर हीप के साइज के अंदर लेंथ ऑफ ए को स्टोर करवा दिया जाता है क्योंकि इसी हीप के साइज को हमने मैगजीन के अंदर यूज़ करना है। देन फॉर आई फ्लोर लेंथ ए ऑफ टू डाउन टू टू, और फिर जो है आपके पास लेंथ ऑफ ए डिवाइड बाय टू यानी जो आपके पास टोटल एरे का एरे की लेंथ है यानी टोटल हीप का साइज है उसको टू पे डिवाइड करके फ्लोर फंक्शन जो आता है हमारे पास उसको उस वहाँ से शुरू करके हम वन तक जाते जाते इस लूप को चलाते हैं, और हर कॉल पे हर लूप की हर आइट्रेशन पे मैक्सीफाई को कॉल किया जाता है। यानी ये जो मैक्सीफाई का फंक्शन एल्गोरिदम है ये कौन यूज़ करता है, ये बिल्ड मैगजीप का एल्गोरिथम यूज़ करता है। बिल्ड मैगजीप यानी मैगजीप बनाने के लिए हम मैगजीपाई यूज़ करते हैं। मैगजीप को बनाते किस तरह है, उसके पास एक एरे इनपुट आती है, हीप का साइज़ का हम एक हीप साइज ऑफ ए का एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम लेंथ ऑफ ए का वेरिएबल से वैल्यू गेट करके स्टोर करवा देते हैं। लेंथ ऑफ ए हमारे पास एरे का साइज बताता है, लेट से 10 हीप साइज ऑफ ए के अंदर 10 आकर स्टोर हो जाता है। फिर हम फॉर आई फ्लोर लेंथ ऑफ ए डिवाइड बाई टू डाउन टू जाते हैं, लेंथ ऑफ ए अगर 10 है तो 10 डिवाइड बाई टू 5 आएगा और 5 से लेके हम नीचे तक मूव करेंगे। अब यहाँ पे फ्लोर लगाने का क्या मकसद है, फ्लोर लगाने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास हीप का साइज एरे लेंथ ऑफ एरे आपके पास 9 है तो 9 डिवाइड बाई टू करने से आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है जी 4.5। ठीक है, अब 4.5 को पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है हमारे पास हम इसको 4 पढ़ें और एक है हम इसको 5 पढ़ें। अगर तो हम इसका सीलिंग फंक्शन लें तो हम इसको 5 पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसका फ्लोर फंक्शन लें तो 4.5 को हम 4 पढ़ेंगे। सो अगर आपके पास इवन नहीं ऑड साइज़ है एरे का, जारी बात है 2 से डिवाइड करके वो आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो उसमें से आपने फ्लोर वैल्यू लेनी है या सीलिंग लेनी है वो हमें उसने बता दिया जी, फ्लोर वैल्यू लेनी है यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेनी है, और वहाँ से शुरू करके हमने नीचे वन तक जाते जाते हीप को मैक्स नीचे जाते जाना है और हर आइट्रेशन पे हमने मैक्स हीपाई को कॉल करना है। इस तरह से हमारे पास मैक्स हीप बनेगी। ठीक है, एक्चुअली मैक्स हीप बनाने के लिए मैक्स हीपाई चाहिए, मैक्स हीपाई हमें समझ आ गया, मैक्स हीपाई को कॉल कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, जो भी आपके पास एरे की लेंथ होगी उसके हाफ से शुरू करके नीचे जाना है और हर आइट्रेशन पे मैक्स हीपाई को कॉल करके पूरा मैक्स हीपाई का फंक्शन जो भी ऑपरेशन है रिकर्सिव कॉल्स के साथ जब तक वो रिकर्सिवली कॉल होता रहता है तब तक वो जब वहाँ से बाहर निकलता है दोबारा हम यहाँ पे आते हैं लूप में और लूप के सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड अप टू सो ऑन वन तक ये आइट्रेशन पे मूव करते हैं। ये जी मैक्स हीप बनाने का तरीका, लेट्स से हमारे पास एक एरे है 10 साइज़ की और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हमें स्टोर मिली हैं, तो जारी बात है अरेंज नहीं है किसी भी हीप की फॉर्म में अरेंज नहीं है, हमें यूज़र ने कोई भी इनपुट डाटा दिया 4, 1, 3, 2, 16 एंड अप टू सो ऑन डाटा दिया, हमने सबसे पहले उसको एक बाइनरी ट्री की शक्ल दे दी। अब अभी तक ये हीप नहीं है, जब तक इसके ऊपर बिल्ड मैक्स हीप के साथ मैक्स हीप पे कॉल नहीं किया जाएगा तब तक ये आपके पास एक हीप नहीं है। अब इसी तरह से डाटा के अंदर जो भी आपके पास सीक्वेंस वाइज वैल्यूज हैं 4, 1 पे इंडेक्स पर 4 है उसको 1 इंडेक्स 1 की पे रख देंगे, 2 की पे आप 1 पर रख देंगे, अप टू सम वैल्यूज लगाते जाएंगे। अगर आप इस ट्री को देखें तो ये बाइनरी ट्री तो है लेकिन ये हीप नहीं है क्योंकि इसके अंदर पेरेंट अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा नहीं है, ये मैक्स हीप नहीं है। इसे मैक्स हीप बनाने के लिए बिल्ड मैक्स हीप के एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम क्या करता है, अच्छा ये आपके पास जो आपको एरे के बाद नज़र आ रही है ये आपके पास मैक्स हीप है, मैक्स हीप को भरा बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम क्या करता है, इस एरे को एज एन इनपुट लेता है और इस एरे को एज एन इनपुट लेके तो हीप का साइज कैलकुलेट करता है और फिर हीप के साइज के हाफ से शुरू करके नीचे वन तक जाते जाते
डाउन टू वन जाते जाते क्या करता है, हर लेवल पे मैक्स 65 को कॉल करता है। ठीक है, जारी बताइए, इस एरे का साइज चूँकि 10 है तो 10 का हाफ होगा 5, 5 से शुरू होगा, 5 के ऊपर मैक्स 65 कॉल होगा, देन 5 के बाद 4 पे कॉल होगा, 4 के बाद 3 पे कॉल होगा, 2 पे कॉल होगा, 1 पे कॉल होगा और अल्टीमेटली आपके पास इस तरह से मैक्स ही बनेगी। जारी बात है, जब आपका 5 से कॉल होगा, 5 से कॉल होगा तो यहाँ पे आपके पास मैक्स 65 जब आप इसके ऊपर अप्लाई करने लगेंगे तो ये अपने 240 से बड़ा है, इसलिए कोई एक्सचेंज नहीं होगा। फिर आइए आपके पास 5 से 4 पे आ जाएगा, 4 पे आएगा तो 4 को उसके 240 से कंपेयर करने में आपके पास आपको मैक्स 65 के साथ लेफ्ट चाइल्ड बड़ा मिलेगा, लार्जेस्ट मेल होगा। आप लार्जेस्ट को रे ऑफ आई को स्वैप करके 14 को ऊपर ले आएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 3 पे जाएगा, 3 में आप कंपेयर करेंगे 3 को उसके दोनों चाइल्ड से, चूँकि उसका राइट चाइल्ड कंपैरिजन में उससे बड़ा आ जाएगा, दैट इज़ हम ए ऑफ आई और ए ऑफ लार्जेस्ट को एक्सचेंज करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा। फिर आपके पास अब 2 पे क्या आ गया हुआ है, 2 पे 1 है और यहाँ पे 4 पे आपके पास 14 आ गया हुआ है। ठीक है, तो 4 और 14 को, 4 को 14 और 16 के साथ कंपेयर किया जाएगा तो 4 14 से भी छोटा है और 16 से भी छोटा है, लेकिन लार्जेस्ट में 16 आ जाएगा, लार्जेस्ट में 16 आ जाएगा तो 16 ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपके पास स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें इसको तो लार्जेस्ट में यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 14 रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 चला जाएगा। ठीक है, फिर हम 1 पे जाएंगे, 1 को नोट को देखेंगे तो 1 नोट के साथ आपके पास वैल्यू 4 है, 4 और उसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे जब हमने अपडेट कर लिया तो यहाँ पे 16 था और यहाँ पे 10 था। ठीक है, तो 4 जो है वो 16 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है, लेकिन 16 और 10 में से लार्जेस्ट आपके पास 16 आएगा, दैट इज़ वाई 16 को ऊपर भेज देंगे और 4 को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने स्वैप करके लाए थे 14 से स्वैप होकर यहाँ पे आ गया था आपके पास, यहाँ पे 14 ही रहा था, यहाँ पे आपके पास आ गया 14 ने स्वैप होकर आपके पास ऊपर चला गया था। रीज़न इज़ दैट कि 14 अपने लेफ्ट और राइट साइड से देखें तो यहाँ पे भी आपके पास नीचे वाले लेवल तक, अच्छा मैक्स 65 जब आप कॉल करते हैं तो हमने कहा था हम नीचे तक जाके करते हैं, तो जब हमने इसको मैक्स 65 करते किया था यानी 14 को स्वैप किया था 2 के साथ तो हमने नीचे तक किया था। इस तरह जब हमने 16 के लिए किया था 16 पे चेंजेस नहीं थे, लेकिन जब हमने 2 पे यानी 1 के लिए किया था तो फिर हमने डाउन टू जो है हर एक नोड तक पहुंचना था जहां तक कि हम मैक्स 65 के लूप से बाहर ना आ जाए। बहरहाल जी, से स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से इसे बिल्ड मैक्स हीप के अंदर आप जिस मैक्स हीप के डू बिल्ड मैक्स हीप के एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे और उसके अंदर मैक्स 65 कॉल करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके पास इस एरे से, इस सिंपल ट्री से एक हीप डाटा स्ट्रक्चर, हीप की फॉर्म स्टेटा ने किस तरह से ली। ठीक है, इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल देखें तो मैक्स 65 के लिए आपके पास बिग ओ लॉग ऑफ एन है और एन नोड्स के लिए अगर ये कॉल होता है तो आपके पास बिग ओ एन लॉग ऑफ एन होगा, यानी टोटल अब हम देखने लगे ना एन नोड्स के लिए एन टाइम्स आपके पास जब लॉग ऑफ एन यानी मैक्स 65 कॉल होगा तो टोटल इसकी आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ओ एन लॉग ऑफ एन। नेक्स्ट ही हमारे पास जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ हीप सॉर्ट। उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले आप हीप डेटा स्ट्रक्चर को समझें और हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से आप हीप से किस तरह से मैक्स हीप बनाते हैं उसे देखें, साथ साथ हम हीप सॉर्ट को देख लेते हैं। हीप सॉर्ट एक्चुअली क्या है, हीप सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जो एक बने हुए हीप को जो एक बने हुए हीप में से वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो करवाता है। ठीक है, ये देखें जी, आपके पास हीप सॉर्ट का एक एल्गोरिथम है जो कि एक एरे को इनपुट लेता है और अपने अंदर बिल्ड मैक्स हीप के एल्गोरिथम को कॉल करता है। बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम क्या करता है, बिल्ड मैक्स हीप का एल्गोरिथम बिल्कुल वही 4 स्टेप्स के साथ चलता है, हीप के साइज को अपडेट करता है, फ्लोर ऑफ लेंथ ऑफ ए यानी हीप के साइज के हाफ से लेकर नीचे तक मूव करता है और हर आइट्रेशन पे मैक्स 65 को कॉल करता है। मैक्स 65 इटसेल्फ रिकर्सिवली अपने से नीचे वाले सारे के सारी जो नोड्स हैं उन सबको कॉल करता है ताकि लार्जेस्ट को उसकी लोकेशन पे लेके आया जा सके। बहरहाल जी, मैक्स 65 का एनालिसिस अगर हम करें तो अगर हम हीप सॉर्ट की बात करें तो हीप सॉर्ट के अंदर आपके पास ये तीनों स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं, बिल मैक्स हीप, फिर मैक्स हीप उसी तरह हीप के साइज और फिर दरमियान से लेके नीचे 1 तक जाएगा। और फिर हमारे पास इस जब हम मैक्स हीप बना लेंगे यानी हम हीप सॉर्ट करने के लिए एरे से सबसे पहले मैक्स हीप बनाएंगे, लेट सपोज हमारे पास मैक्स हीप है। हीप सॉर्ट का पहला स्टेप ये है कि डाटा मस्ट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैक्स हीप।
उसके लिए मैक्सिप को हमने डाटा पास किया एरे का, उसने मैक्सिप बना दी। यहाँ तक हम क्या कहते हैं जी, मैक्सिप बन गई। ठीक है, मैक्सिप बन गई। अब मैक्सिप बन गई या बनी हुई मैक्सिप के अंदर, यानी एक मैक्सिप की फॉर्म में डाटा को हमने क्या करना है, आई का एक वेरिएबल लेना है और उसको हमने लेंथ ऑफ ए से लेके टू तक जाना है, यानी टोटल जितने भी आपके पास उसके अंदर वैल्यूज हैं, लेट्स से 10 है, 5 है, अगर 5 है तो हमने 5 से लेके 2 तक, नॉट 1 तक, रूट तक नहीं जाना, रूट से पहले पहले हमने नीचे जाना है, बैक जाना है, और हर आइट्रेशन पे हमने क्या करना है, ए ऑफ आई को ए ऑफ 1 को ए ऑफ आई से एक्सचेंज करते जाना है। ए ऑफ 1 को हर आइट्रेशन पे ए ऑफ आई के साथ एक्सचेंज करते जाना है, यानी रूट पे जो वैल्यू पड़ी है उसे हमने जो भी आई होगा उसके साथ वैल्यू को रिप्लेस करते जाना है, और फिर हीप के साइज़ को साथ साथ हमने 1 माइनस करते जाना है, और रिजल्टेंट हीप के ऊपर दोबारा से हमने मैक्सिफाई को अप्लाई कर देना है। लेट्स से ये हमारे पास एग्जांपल है 7, 4, 1, 2 एंड 3। इसमें फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 7 है, सेकंड इंडेक्स पे 4 है, थर्ड पे आपके पास 3 है, 4 पे 1 है एंड 5 पे 2 है। या आपने 5 साइज की हीप ली है और इस वक्त की मैक्स हीप है, हाँ जी, 7 इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन, राइट, 4 इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन, 3 इज ग्रेटर बिकॉज इट हैव नो चाइल्ड। सो इस वक्त हमने ये एक समझ लें, हमने हीप सॉर्ट के अंदर मिड मैक्स हीप के थ्रू एरे को, एरे से मैक्स हीप बना लिया। अब इसको हम सॉर्ट करने वाले हैं, सॉर्ट हम करने वाले हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से सॉर्ट होगी, इस तरह से सॉर्ट होगी कि हमने लेंथ ऑफ ए से शुरू करना है और डाउन टू जाना है। लेंथ ऑफ ए आपके पास क्या है, एरे का टोटल साइज़ जो है 5, हीप का टोटल साइज़ 5, 5 से हमने शुरू करना है और नीचे तक जाना है 5 पे, यानी इस वक्त हमारे पास ए लेंथ ऑफ ए 5 है, 5 से लेके हमने नीचे जाना है, हमने एक्सचेंज करना है ए ऑफ 1 को ए ऑफ 5 के साथ, ए ऑफ 1 को ए ऑफ 5 के साथ। ए ऑफ 1 आपके पास क्या है, ए ऑफ 1 है आपके पास 7 और ए ऑफ 5 है 2, 2 और 7 को हमने करना है एक्सचेंज, 2 और 7 को एक्सचेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, लेकिन और साथ साथ हमने हीप के साइज़ में से एक का डिक्रीमेंट करके उसका साइज़ 4 कर देना है। 4 कर देना मीन्स हमने यहाँ पे जो नोड आएगी 7 उसको हमने सेपरेट कर देना है, ये हमने सेपरेट कर दिया। लेकिन एक और चीज़ आप देख रहे हैं, हमने 2 और 7 को रिप्लेस किया था लेकिन टॉप पे 4 है, 4 इसलिए है क्योंकि हमने जो रिजल्टेंट हीप थी जिसके अंदर से हमने 2 को निकाल दिया है और बेसिकली 2 यहाँ पर आ गया, हमने 7 को निकाल दिया है, तो 7 को निकालने के बाद यहाँ पर 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन, नो, उसके ऊपर जब हम एक्स को अप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये हमारे पास हीप के अंदर से हमने वैल्यू निकाल भी दी और साथ साथ हमने इस रिजल्टेंट हीप को मैक्स में भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जारी बात है जब हम 2 और 7 को स्वैप करेंगे तो हमारे पास ये हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि 2 4 और 3 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम 2 और 4 को एक्सचेंज करके मैक्स के थ्रू अब इसे मैक्सिप बना लेंगे। अगेन हमारे पास एक मैक्स आ गया लेकिन अब इसका साइज़ क्या हो गया है, 4 हो गया। अब इस 4 साइज़ की मैक्स हीप में से हमने ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 4 पे जाना है क्योंकि आई हमारे पास डाउन जा रहा है, 5 से 4 पे आएगा तो अब हमने 1 पे आ जाना है। 1 के लिए हमने देखना है जी, 1 पे आपके पास क्या स्टोर था, 1 पे आपके पास स्टोर था 1 1 सॉरी 1 पे आ जाना जो कि ए ऑफ 4 की वैल्यू है। ए ऑफ 4 को हमने ए ऑफ 1 से रिप्लेस कर लेना है, यानी 4 और 1 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, और साथ साथ हमने इसको 4 को यहाँ पे जब 4 आएगा तो हमने उसको एरे में से निकाल भी देना, हमने एरे में से उसे कट करके निकाल देना है, ठीक है। लेकिन 1 जब 4 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 अपने भी दोनों चाइल्ड से बड़ा नहीं है तो 1 और 3 आपस में स्वैप हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जब हमने 1 और 4 को यहाँ पे एक्सचेंज किया तो 1 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा नहीं था, उसके ऊपर मैक्स पे कॉल करके हमने इसको 3 को ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले आए और हमारे पास अब 4 भी निकल गया आपकी एरे में से। उसके बाद हम डाउन जा रहे हैं तो हम अब आई को 3 पे लेके आएंगे, 3 यानी 2 पे लेके आएंगे, 2 और 3 को आपस में हमने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने के बाद 3 को हम रिमूव करेंगे 2 के ऊपर, 2 और 1 जो रिमेनिंग ही बनेंगे उसको मैक्स पे कॉल करेंगे तो पेरेंट वो अपने चाइल्ड से बड़ा ही होगा, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि 2 टॉप पे होगा और आई जो है उसके बेसिकली 1 जो है उसके लेफ्ट में होगा, क्योंकि जब हम आई थे सॉरी 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 हम यहाँ से 4 के बाद 3 पे यानी 1 पे गए थे तो स्वैप हमने 1 और 3 को किया था और 3 को यहाँ से रिमूव किया था, 1 ऊपर गया और 2 नीचे आया और 2 और 1 को हमने स्वैप किया तो फिर ये मैक्स हीप बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद हमने 3 पे जाना है, 3 पे 1 पड़ा हुआ है, 1 को हमने उसके ए ऑफ 1 के साथ रिप्लेस किया यानी ए ऑफ 3 को ए ऑफ 1 से रिप्लेस किया, 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 3 को तो सिंपली निकाल दिया लेकिन ऊपर 1 रह गया और नीचे 2 रह गया, मैक्स हीप पर कॉल किया तो अब 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आई को और डिक्रीज करेंगे, आई को और डिक्रीज करके अब हम 2 पे ले आएंगे, ये 2 है,
टू की वैल्यू को हम स्वैप करेंगे वन के साथ, यानी वन और टू को स्वैप करेंगे, टू को हम निकालेंगे अपनी एरे के अपनी हीप के अंदर से, और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा वन, ठीक है। और हमने मूव कहाँ तक करना है, हमने वन तक ही मूव करना है, हमने उससे आगे मूव सॉरी हमने टू तक ही मूव करना था, हमने रूट तक नहीं जाना था। रिजल्टेंट आपके पास बहरहाल वन बचेगा। और अगर आप इसको देखें तो आपने जिस फॉर्म में इसे हीप से निकाला, अगर आप पहले देखें तो हमने पहले सेवन निकाला, फिर फोर निकाला, फिर थ्री निकाला, फिर टू निकाला, और लास्ट में वन निकलेगा, तो हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको स्टोर करें कि जो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू निकली है वो सबसे आखिर में एरे के लगाएँ, उसके बाद वाले जो निकली है वो उससे सेकेंड लास्ट पे, फिर थर्ड लास्ट एंड देन सेकेंड लास्ट, एंड लास्ट पे जो वैल्यू बची है उसे हम फर्स्ट पे लगाएं, तो आपके पास यही सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। यानी इसी एल्गोरिथम को यूज़ करके आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है वो जो आपकी वैल्यू हीप में से आप निकाल रहे हैं उसे आप वन बाय वन वन टू सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं, या फिर आपसे लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे अरेंज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे या लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे आपसे अरेंज करते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में आपको फर्स्ट डाटा अरेंज किया जाता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्ट में हम यही करते हैं ना, डाटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डाटा सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज हो गया है। ये इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर हमने यहाँ पे जो काम एक सिंगल स्टेप में किया, जैसे कि यहाँ पे जब हमने थ्री और वन को स्वैप किया और वन और टू को फिर स्वैप किया, थ्री और वन को स्वैप करके थ्री को रिमूव किया और वन और टू को आपस में स्वैप करके मैक्स स्वैप ला किया, आप इसी काम को दो स्टेप में भी डिवाइड करके दिखा सकते हैं, ठीक है जी। हीप सॉर्ट हमने कैसे करना है, हमने हीप के लास्ट नोड से शुरू करना है और टू वाली रूट को छोड़ के टू वाली नोड तक पीछे जाते जाना है, और हर हमने आइट्रेशन के ऊपर ए एफ वन को यानी रूट को जो भी ए एफ आएगा उसके साथ एक्सचेंज करते जाना है, और साथ ही साथ आपकी मैक्स हीप फाई की प्रॉपर्टी को भी डिस्टर्ब नहीं होने देना रिजल्टेंट हीप के अंदर से। सो ये है हमारे पास हीप सॉर्ट। अगर हम हीप सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लें तो आपके पास इसके अंदर मेल्ट बिल्ड मैक्स हीप की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन लॉग ऑफ एन, और मैक्स हीप फाई की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉग ऑफ एन, और टोटल हीप साइज़ की फिर क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसे देखते हैं जी। बिड मैक्स हीप आपके पास सॉरी बिग ऑफ एन है, क्योंकि एन वैल्यूज़ के लिए मैक्स हीप कॉल होता है। मैक्स हीप फाई आपके पास लॉग ऑफ एन है, टोटल आपके पास बिड मैक्स हीप के अंदर अगर मैक्स हीप फाई को हम करें तो एन लॉग ऑफ एन बनता है। और अगर देखा जाए तो हीप सॉर्ट के अंदर भी हमने इन्हीं दोनों को कॉल किया है, दैट इज़ वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हीप सॉर्ट की बिग ओ एन लॉग ऑफ एन बनती है। ही बिल्ड मैक्स हीप की भी वही है, और उन्हीं दो की मदद से हमने इन्हीं दो में से बिल्ड मैक्स हीप और मैक्स हीप फाई की मदद से चूँकि हमने हीप को सॉर्ट किया, दैट इज़ वाई टोटल टाइम आपके पास आएगा बिग ओ एन लॉग ऑफ एन। एन आपके पास क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे, और लॉग ऑफ एन बताता है कि हमने उन टोटल वैल्यूज़ को मैक्स हीप फाई करने के लिए समझ लें जी हाफ एफर्ट किया, हाफ नोट्स को हमने अपडेट किया, सारी नोट्स को हमने अपडेट किया, चेंज नहीं किया। सो दैट इज़ हीप एंड हीप सॉर्ट। हीप डेटा स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया, हम उसे कैसे बनाते हैं, बिल्ड मैक्स हीप कैसे करते हैं, और उसके अंदर मैक्स हीप फाई कैसे कॉल करते हैं, मैक्स हीप फाई कैसे काम करता है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। बिल्ड मैक्स हीप को हमने सिंगल स्टेप में देखा है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप करके अपनी इस नोट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, सो दैट आप इसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें।